लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। श्री राम श्री राम एकैकस्योपकारस्य प्राणान् दास्यामि ते कपे शेषस्य होपकाराणां भवाम् ऋणिनो वयम्। जय राम श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। राम महर्षि वाल्मीकि एक तुच्छ राम सेवक एक महान राम भक्त को प्रणाम करता है। हनुमान तुम तो भक्त शिरोमणि हो, बैठो। मैं तो राम की कथा लिखते लिखते राम की महानता को पहचानने का प्रयास कर रहा हूं। देवर्षि नारद ने न जाने क्यों मुझे अब तक आपके विषय में कुछ नहीं बताया। देवर्षि नारद ब्रह्मा के साक्षात मानस पुत्र हैं, उनसे तो कुछ भी छिपा नहीं है। उन्होंने मेरे बारे में अब तक आपको कुछ भी क्यों नहीं बताया ये तो वही जाने। हनुमान इस समय रामायण में मैं आप ही के विषय में लिख रहा था। मेरे विषय में? महर्षि आप मेरे विषय में लिख रहे थे? हाँ हनुमान, और लिखते लिखते मुझे आपके आगमन का आभास भी हो गया था। महर्षि यदि मुझे पहले से पता होता तो मैं राम कथा सुनने के लिए यहीं आपकी सेवा में बैठा रहता, क्योंकि राम कथा सुनने से बढ़कर आनंददायक वस्तु इस संसार में और कोई नहीं है। सत्य है, और ये भी सत्य है कि राम कथा का वर्णन करने में मैं आपकी बराबरी नहीं कर सकता। ये आप क्या कह रहे हैं महर्षि? आप ज्ञानी हैं हनुमान, आप महान ज्ञानी हैं, जिसने स्वयं सूर्य देव से संसार के श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त किया हो उसकी बराबरी भला कौन कर सकता है। मैं तो बचपन से अबोध अनपढ़ था, नारद मुनि की कृपा से राम राम रटते हुए राम का ज्ञान प्राप्त किया और रामायण लिखने बैठ गया। महर्षि यहां आने से पहले मैं आपके विषय में सब कुछ जान लिया था। आपका नाम वाल्मीकि इसलिए पड़ा क्योंकि युगों तक राम राम रटते रटते आपके शरीर पर दीमकों ने मिट्टी की वाल्मीक अर्थात बांबी बना दी थी। आप सचमुच महान राम भक्त हैं, यह हनुमान आपको प्रणाम करता है। नारद मुनि ने मुझे बताया कि राम की महिमा गाने में आप मुझसे कहीं बढ़ चढ़ कर हैं। महर्षि मैं उनका प्रिय शिष्य हूं ना, इसीलिए उन्होंने आपको मेरे बारे में बढ़ा चढ़ा कर कह दिया होगा। आप महाकवि आदि कवि हैं, काव्य कला में मैं आपके सम्मुख कुछ भी नहीं हूं। अपनी दिव्य दृष्टि से मैं भविष्य को साक्षात देख रहा हूं हनुमान। मैंने रामायण में आपका बहुत प्रेम से वर्णन किया है, एक कवि के नाते आप अपने बारे में उतना नहीं जानते हैं जितना मैं आपके बारे में जानता हूं। आपकी रामकथा के आगे मेरी रामायण कुछ भी नहीं है। युगों युगों के बाद जब रामकथा का वर्णन होगा तो हनुमान की रामकथा को याद रखा जाएगा, वाल्मीकि की रामायण को सब भूल चुके होंगे।
ये अचानक आपको क्या हो गया हनुमान? आप उद्विग्न क्यों हो गए? महर्षि, आपने बरसों श्री राम के लिए कठोर तपस्या की है, बड़ी साधना और भक्ति से आप राम कथा लिख रहे हैं, फिर आप ऐसा क्यों कहते हैं कि युगों के बाद लोग आपकी लिखी रामायण को भूल चुके होंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता महर्षि, ऐसा कदापि नहीं होगा। जो सत्य है वही कह रहा हूं। राम भक्ति के बखान में मैं तुम्हारी बराबरी कई जन्म लेकर भी नहीं कर सकता हनुमान। महर्षि, राम महिमा के विषय में मैंने जो कुछ भी पत्थर की शिलाओं पर लिखा है वह अब शीघ्र ही समुद्र के जल में विसर्जित हो जाएगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हनुमान ने कभी राम महिमा लिखने का प्रयास भी किया था। राम भक्ति मेरे हृदय में है और हृदय में ही सीमित रहेगी, आप निश्चिंत रहें महर्षि। हनुमान, मेरा यह आशय नहीं था। हनुमान अपने वचनों पर अटल रहेगा महर्षि, आपकी लिखी रामायण अनंत काल तक अमर रहेगी। हनुमान का नाम लोग आपकी लिखी रामायण के माध्यम से ही जानेंगे। प्रणाम महर्षि, जय श्री राम। जय श्री राम। हनुमान की लिखी राम महिमा समुद्र के जल को समर्पित हो गई और आपकी लिखी रामायण सदा सदा के लिए अमर हो गई। जय श्री राम। नारायण। देवर्षि आप? प्रणाम देवर्षि। हनुमान, ये तुमने क्या कर डाला, अपनी रचनाएं समुद्र को समर्पित कर दी? महर्षि वाल्मीकि की रामायण में ही हनुमान का नाम अमर रहेगा। देवर्षि, हनुमान तो श्री राम का मौन भक्त है, उसे न यश की चाह है और न ही स्तुति की। नारायण नारायण, अर्थात इसके लिए दोषी मैं ही सिद्ध हुआ। ना मैं तुम्हें वाल्मीकि के विषय में कुछ बताता, ना तुम अपनी रचनाएं समुद्र में विसर्जित करते। नहीं देवर्षि, जो कुछ भी होता है श्री राम की इच्छा अनुसार ही होता है। देवर्षि, आप भी मेरे साथ बोलिए, श्री राम की जय, वाल्मीकि रामायण की जय। श्री राम की जय, वाल्मीकि रामायण की जय। जय श्री राम।